आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भले ही कांग्रेस के फ्रीज खाते फिर से खोल दिए गए हों, लेकिन इस पर जमकर सियासत हो रही है। सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि चुनावी साल में कांग्रेस पर यह संकट कैसे मंडराया। आखिर ऐसे क्या हालात बने कि आयकर विभाग को कांग्रेस का खाता फ्रीज करना पड़ा, देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रीज खाता खुल गया है, सवाल फिर भी खड़ा है, क्यों फ्रीज हुए खाते, सियासत को क्यों नहीं भाए। We don't have money to pay the electricity bills. We don't have money to pay salaries to our employees. Everything is impacted, no? Not only Nyaya, everything will be impacted. All political activities of the Congress party will be impacted. Now online donation, people are giving money to us and we are spending. So now this message will go, when we are giving money and it is not coming to the party, should we give the money or not? ये आरोप पूरा देश सुन चुका है। शुक्रवार को कांग्रेस के फ्रीज खातों को लेकर काफी शोर मचा, लेकिन इसी दिन इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल ने बुधवार तक के लिए कांग्रेस को राहत भी दे दी। I just appeared for the Indian National Congress before the ITAT bench, Delhi, and it was court number one, where I said that all bank accounts of Congress party of the AICC have been frozen. Which means in the coming festival of elections, the largest, one of the largest stakeholders will not be able to participate. ये पूरा मामला 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। कांग्रेस के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 तक अकाउंट से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी। देरी से रिटर्न सबमिट किया गया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का साल 2018-19 के लिए 135 करोड़ रुपए डिमांड बकाया है। इसमें मूल्यांकन के मद में 103 करोड़ रुपए की डिमांड और 32 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। इस मामले में आयकर अधिनियम 1961 के तहत धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन 6 जुलाई 2021 को पूरा किया गया था। धारा 13(a) के तहत छूट की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि धारा 13(a)(d) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। हालांकि इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस मोदी सरकार को कोस रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। फिलहाल ट्रिब्यूनल की सुनवाई के बाद ही साफ हो सकेगा कि कांग्रेस को 210 करोड़ की पेनल्टी देनी होगी या नहीं। सुनवाई होने तक कांग्रेस को अपने बैंक खाते पर लेन देन करने की फिलहाल छूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।